गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के। और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी और जो टॉपिक था वो हमारे पास है द मैसन प्रोपिगेटर फॉर स्केलर फील्ड। मैसन प्रोपिगेटर फॉर स्केलर फील्ड, तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, लेकिन अब कि आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, यानी सेकेंड पार्ट। ओके, तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था द मैसन प्रोपिगेशन फॉर स्केलर फील्ड, कि मैसन क्या होते हैं। सिंपल जो हमारे पास मैसन पार्टिकल हैं वो एक बोसोन का हिस्सा होते हैं, लेकिन बोसोन के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास कि बहुत सारे ऐसे बोसोन पार्टिकल हैं, ठीक है। तो बोसोन में छोटा सा हिस्सा है मैसन, यानी कि सारे मैसन बोसोन ज़रूर होंगे और ये हम बोसोन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पढ़ते हैं ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसका मतलब है कि सारे मैसन बोसोन तो हैं, लेकिन सारे बोसोन मैसन नहीं हो सकते। इसका मतलब बोसोन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोसोन वे हैं जिनकी स्पिन हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं, और मैसन वो हैं जिनकी स्पिन हमारे पास केवल 0 हो। और मैसन प्लस गेज बोसोन मिलकर के हमारे पास बोसोन बनाते हैं, और गेज बोसोन क्या होते हैं जो हमारे पास स्पिन 0, 1 रखते हैं, उनको हम बोलते हैं गेज बोसोन। तो इसके बाद हमने इसका प्रोपेगेशन पढ़ा, तो प्रोपेगेशन के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ए ऑपरेटर बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी एंड टी डैश या क्रॉसपॉन्डिंग टाइम टी एंड टी डैश। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, जो घटना पहले होती है उसको आप लिखोगे इधर और जो घटना बाद में होती है उसको आप लिखते हो उधर। इसमें आप देख सकते हैं टाइम जो टी है वो बड़ा है, बड़े का मतलब है कि वो घटना पहले हुई थी, और टी डैश का मतलब है सॉरी बाद में हुई, और जो टी डैश का मतलब है कम है, टी डैश कम है इसका मतलब वो घटना अभी हुई है ताज़ा फ्रेश, उसको हम इधर लिखेंगे। यानी कि जो घटना पहले होती, मैंने उल्टा बोल दिया पहले, कि जो घटना पहले होती उसको यहाँ लिखा जाएगा, जो घटना बाद में होती उसको हम यहाँ लिखते हैं, या जिसका समय ज़्यादा हो उसको यहाँ, जिसका समय कम हो यहाँ, ये सबसे सरल है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, वही टाइम ओवलेशन ऑपरेटर हम वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हमने वेव फंक्शन को इस तरह से माना है, ये वेव फंक्शन मान लिया हमने। इस वेव फंक्शन पे आप लगाते हो तो हमारे पास दो वेव फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, एक टाइम टी के रेस्पेक्ट में है, एक टाइम टी डैश के, पोजिशन एक्स है और दूसरे की एक्स डैश है। जैसे अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास साई और साई एक्स डैश, साई एक्स डैश और साई, इस तरह से हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कि टी यदि जीरो, जो समय है वो जीरो से बड़ा है और यहाँ पर समय जीरो से छोटा है, तो इस तरह से और इस तरह से क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन, ये तो हमारे पास सिंपल एक मेथड है बताने का, तरीका है, या एक तरह से कॉलम वाइज इक्वेशन है। हम इसमें एक स्टेप फंक्शन यूज़ करके हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट हमने किया, तो हमने इसको इस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया, थीटा टी माइनस टी डैश और थीटा टी डैश माइनस टी को लगा करके। यहाँ पर जो थीटा टी है वो हमारे पास एक स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन की हमारे पास दो वैल्यू होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। जब ये हमारे पास आंसर होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी 0 हो जाएगी, और जब ये आंसर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी ऑटोमेटिकली क्यों हो जाती है, 0 हो जाती है। आप ऐसे कर सकते हैं। साथ में हमने इनके ऊपर वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अप्लाई करके देखा कि वास्तव में ये काम कर रहा है नहीं करता, तो ये वास्तव में काम करता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास सही है। उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक फंक्शन आया डेल्टा एफ, और इस डेल्टा एफ को हम बोलते हैं फाइनमैन डेल्टा फंक्शन। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और इसके आगे हम आज और इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। तो फाइनमैन डायग्राम हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं पीछे जो इक्वेशन नंबर है हमारे पास, जैसे कि हमने दिया होगा इसमें इक्वेशन नंबर सेवन हम दे रखे हैं, और इससे पहले एक इक्वेशन और आई होगी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 तो दिया है, और इससे पहले इक्वेशन नंबर 5, तो हम इक्वेशन नंबर 5, बीच में 6 मिसिंग होगी कोई बात नहीं, तो इक्वेशन नंबर जो 5 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको आप ओपन करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे। तो ओपन कैसे करना है कि हमने, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फाइव। इक्वेशन फाइव में हमने ऐसे लिखी थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ या जीरो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड साइन एक्स एंड साइन एक्स डैश और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्लॉज। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होंगे। यदि यहाँ पर साइन डैश इधर आता है और साइन एक्स इधर आता है तब तो हम इसको लिखेंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा आयटा डेल्टा एफ प्लस, और इसको आप लिखोगे एक्स माइनस का एक्स डैश, और इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट, ओके। और इसके अपोजिट यदि आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से है एक्स डैश और साइन एक्स में, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे माइनस आयटा डेल्टा एफ और एक्स माइनस का एफ डैश, एक्स माइनस का एक्स डैश इस तरह से रहेगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर नाइन दे सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर पीछे देखो, हमने इक्वेशन नंबर ये लिखी फोर्थ नंबर, यदि इस फोर्थ नंबर पर हम यूज़ कर दें एक बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम यूज़ कर लें तो क्या होगा, तो आपको मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इसको क्या कर देता हूँ लिख के दिखा देता हूँ। तो आप इक्वेशन नंबर फोर के साथ आप लिखोगे टेकिंग टेकिंग वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से जीरो टी प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स डैश, ठीक है, और ये जीरो के साथ क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास थीटा टी माइनस का टी डैश आया था, और यहाँ पर हम देखो ये इस वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्टेप फंक्शन है जो कि हमारे पास इस जो स्टेट है उन पर डिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पर लिखोगे आप साइन एक्स एंड साइन एक्स डैश, ओके, और ये क्लोज एंड प्लस ये रहेगा थीटा टी डैश माइनस का टी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साइन एक्स डैश एंड साइन एक्स एंड स्टेट क्लॉज, ये हमारे पास रहती है। तो हमने सिंपली देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की अभी, और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, दो की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि आप इक्वेशन नंबर एट और नाइन में देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसको आप इक्वेशन नंबर दस दे करके कि नाइन एट को दस में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर हमने क्या किया है, जो एट है एंड इक्वेशन नंबर जो नाइन है उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टेन में। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो वैल्यू आई है इसको आप सिंपली डेल्टा एफ और एक्स माइनस का एक्स डैश रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आप आयटा उल्टा नहीं लगाएंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा एफ और एक्स माइनस का एफ डैश इक्वल टू थीटा टी माइनस का टी डैश, थीटा टी माइनस का टी डैश, और ये जो वैल्यू थी डेल्टा एफ प्लस और एक्स माइनस का एक्स डैश हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस आती है, लेकिन फिलहाल मैं माइनस लगा रहा हूँ, और रहेगा थीटा और टी डैश माइनस का टी, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा था माइनस तो माइनस में पहले लगा चुका हूँ, तो यहाँ पर रहेगा डेल्टा एफ और एक्स माइनस का एक्स डैश। ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है जो प्रोपिगेशन इक्वेशन कहलाती है। इससे हम बता सकते हैं कि मैसोन का जो प्रोपिगेशन है या बोसोन का जो प्रोपिगेशन है वो किस तरह से होगा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। एक चीज़ आपको, जो ये डेल्टा एफ लिखा है इसको हम बोलते हैं फाइनमैन डेल्टा फंक्शन, फाइनमैन डेल्टा फंक्शन इसको हम बोलते हैं, और इसकी हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक डेल्टा एफ प्लस और एक डेल्टा एफ माइनस। ये तो कब होगा, जब ऐसा होगा, और ये कब होगा, जब समय ऐसा होगा, ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं। अब हम इसमें दो केस लेते हैं, और इसको आप इक्वेशन नंबर 11 दे देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर
11 दे देंगे, और इस 11 के साथ हम दो वैल्यू अलग अलग खुद करके देखेंगे। उसमें हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में ले रहे हैं यदि हमारे पास जो तो टी है वो ग्रेटर देन टी डैश है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेशन नंबर 11 के अंदर ये जो स्टेप फंक्शन है ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इस पोजीशन में, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। डेल्टा एफ का मान कितना बचेगा, केवल ये बचेगा। तो आप सिंपल ही लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ एक्स माइनस का एक्स डैश जो रहेगा वो रहेगा आइटा डेल्टा एफ प्लस और एक्स माइनस का एक्स डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रियल स्केलर फील्ड बिकेम, जो बच रही उसको मैं लिख रहा हूँ, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर रियल स्केलर फील्ड बिकेम्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, साइन एक्स और साइन एक्स डैश और ये क्लॉज। वैसे आप इसको लिख सकते हो आइटा डेल्टा एफ प्लस और एक्स माइनस का एक्स डैश, जो कि मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ए, ये जो वैल्यू है ये बताती है कि हमारे पास जो देखिए यहाँ से आप देखोगे तो ये बताती है कि यहाँ से यानी कि x से हमारे पास बोसन क्रिएट होता है और x डैश तक जा करके वो एनिलेशन हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, आप लिखेंगे दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट एमेसोन, रिप्रेजेंट ए मैसोन being created, being created at x dash, मैंने आपको उल्टा बता दिया ना, इसमें टाइम देखना पड़ता है, ये इधर आएगा, created at x dash and traveling to x and traveling to x, okay, and being annihilation and being annihilation at x comma t। तो सिंपली यदि मैं आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ग्राफ से आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हम इधर पोजीशन ले रहा हूं और इधर मैं टाइम ले रहा हूं t, ओके। यहाँ पर हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ओके। इसको मैं लिख रहा हूँ x डैश और t डैश, और इसको लिखूँगा x कोमा t। तो यहाँ से हमारे पास बोसोन क्रिएट होगा और बोसोन क्रिएट होकर के इस पॉइंट तक पहुँचेगा जो जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और t। यहाँ पर देख सकते हैं t डैश की जो वैल्यू है कम है। देखो हमने इस केस में लिखा था कि इफ़ t ग्रेटर देन t डैश, तो t डैश की वैल्यू कम है, तो कम है तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू कम कब होगी, यहाँ पर, और टी की वैल्यू कब कहाँ पर होगी, ये। तो जिसमें समय कम रहता है वहाँ पर हमारे पास क्रिएशन होगा, और जो समय ज़्यादा होता है वहाँ पर जाके उसका एनिलेशन हो जाता है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं, ये हमने डॉटेड लाइन इसलिए, ये तो ऐसे दर्शा रखी, ये जो डॉटेड लाइन है ये बोसोन को रिप्रेजेंट करेगी और साथ में डेल्टा एफ को भी क्या करेगी, प्लस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर हम बोलेंगे कि पार्टिकल का जो है वो यहाँ पर क्रिएशन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि पार्टिकल का क्या हुआ है, एनिलेशन हुआ है, एनिहिलेशन यहाँ पर हो गया। ये हमारे पास केस फर्स्ट था। यदि हम केस सेकंड की बात करें, अगले पेज पे चलते हैं, हम बात करते हैं केस सेकंड की, ठीक है, केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं टी लेस देन टी डैश। यदि अपने इसको ग्राफली समझ डायरेक्टली तो अपन इसमें ऐसा लिखेंगे, यदि ये हमारे पास x है और ये t है, तो अब की बार इसको आप बनाओगे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। दो पॉइंट लिया हमने, पहला पॉइंट लिया हमने x कोमा t पर, और ये लेंगे हम x डैश और t डैश पर, और यहाँ से एक बोसन पार्टिकल जाएगा और यहाँ पर,
डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बोसोन को हमेशा डॉट लाइन से दर्शाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि आयटा डेल्टा एफ माइनस के साथ। और आप लिखना चाहो कि एक्स माइनस का एग्जेस तो भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल का क्या हुआ है? क्रिएशन हुआ है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल क्या हुआ है? एनिहिलेशन हुआ, यानी कि अवशोषित कर लिया गया। और इसमें आप लिखना चाहो थ्योरेटिकली, तो इसमें आप लिख सकते हो द वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन, हमारे पास जो 11 आई थी, हाँ 11 की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन 11, ठीक है, इज, तो ये आपको पता है कैसे बचेगा, 0, और ये साइन एक्स डैश लिखेंगे और साइन एक्स लिखेंगे और फिर क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट, ओके। विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि बोसोन एक्स टी पर क्रिएट हुआ है और एक्स डैश टी डैश पर एनिहिलेशन हुआ है। आप लिखोगे यहाँ पर विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, ओके, ए मैसोन क्रिएटेड एट एक्स एंड प्रोपेगेटिंग टू एक्स डैश वेयर इट इज एब्जॉर्ब, जहाँ पर ये जा करके अवशोषित हो जाता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। ये हमारे पास सिंपल जो मेसोन प्रोपिगेशन था वो था, तो अपन क्लास को यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ओके। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो मेसोन प्रोपिगेशन है ये हमने रियल स्केलर फील्ड के लिए पढ़े हैं, इसी प्रकार हम इसको कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।